हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत दिनों से प्रभु और भगवती माता जी की इच्छा थी कि यहाँ पे भागवत कथा हो। हमेशा पूछते थे प्रभु जी आप कब हमारे घर में कथा करेंगे, कब करेंगे, तो आज आपके घर में कथा हो रही है। ऐसा कहा गया है दसवें स्कंद के सातवें अध्याय के अंतिम श्लोक में, पूतना मरण के बाद, पूतना का वध हो जाने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं कि या एतद् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भिक अद्भुतम। तो इस या एतद् या का अर्थ है जो भी, कोई भी, या एतद् एतद् इस पूतना मोक्षम, कि किस प्रकार से भगवान ने पूतना नाम की राक्षसी को भी मोक्ष दे दिया, भगवत धाम दे दिया। या एतद् पूतना मोक्षम, ये भगवान की बाल लीला है। भगवान ने ये लीला की तब भगवान कितने बड़े थे, कितने वर्ष के थे? एक वर्ष के नहीं थे ना, छह दिन के थे। छह दिन के थे, केवल छह दिवस के थे उस समय भगवान ने पूतना नाम की राक्षसी का वध कर दिया और वध करके उसको मोक्ष दिया। तो भगवान की बाल लीला है। देखा जाए तो प्रथम भगवान ने किसी का वध किया, किसी राक्षस का पहली बार वध किया केवल छह दिन में। कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम्, कृष्णस्यार्भकम् अर्थात भगवान की बाल लीलाओं में अद्भुत लीला है, अद्भुत। कौन है ऐसा जो छह दिन में करवट भी ले पाता है? करवट भी लेना मुश्किल होता है। लोग जब छह दिन के रहते हैं तो माता पिता उसे यहाँ वहाँ करते हैं, इस तरफ उस तरफ करते हैं, लेकिन भगवान ने छह दिन में एक महाराक्षसी का वध कर दिया और उसको मोक्ष दे दिया, अपनी माता की गति दे दी, धात्री गति प्रदान की। तो यदि कोई इस कथा को श्रुवात् श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, फेथ रख के हृदय में भक्ति भाव के साथ यदि श्रुवात् सुनता है तो गोविंदे मृत्यु, कौन सुनता है ना, इस मृत्यु जगत के प्राणी सुनते हैं। मृत्यु हो, मृत्यु का अर्थ है कि संसार के लोग सुनते हैं, इस संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है ना, ये मृत्यु लोक है। जिसने भी जन्म लिया है इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में, इस यूनिवर्स के अंदर, तो डेफिनेटली वो मरेगा, एक ना एक दिन मरेगा। तो मृत्यु हो, मरने वाले लोग इस मृत्यु जगत में, इस संसार चक्र में कोई भी इस कथा को सुनेगा तो वो मृत्यु से ऊपर उठ जाएगा। और गोविंद लभते पराम, गोविंद लभते
रतिम, उसे गोविंद में रति प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है। तो बहुत ही पावन कथा को आप लोगों ने कल सुना, तो अब समय है मनन करने का। हम लोग कुछ मनन करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या सुना है, तो चलिए मनन करते हैं। बताइए कि कल क्या सुना, इस पूतना मोक्ष की कथा में क्या अच्छा लगा, क्या आपने सुना? पूतना का मीनिंग जी, पूतना का मीनिंग, पूतना शब्द का मीनिंग सुना, क्या था? पूत मतलब पवित्र, और नाम मतलब पवित्र नहीं होता। ठीक है, पूत का अर्थ होता है पवित्र, और ना का अर्थ होता है नहीं। तो जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। ठीक है, आपने बोल दिया, अब दूसरे बोलेंगे। पूतना का पूर्व जन्म, पूतना के पूर्व जन्म के विषय में सुना कि पूतना जैसी राक्षसी को भगवान ने धात्री का अर्थ होता है दूध पिलाने वाली माता, वो गति क्यों दी भगवान ने? तो पिछले जन्म की कथा सुनी कि पिछले जन्म में वो बलि महाराज की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। चलिए, प्रभु का काम भी पूरा हुआ। हाँ, कैसी थी दिखने में? गंदी थी, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत भयंकर थी, गंदी थी, स्नान इत्यादि भी नहीं करती थी। जो पवित्र नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? गंदा। तो पूतना गंदी थी, पवित्र नहीं रहती थी। पूतना का अर्थ ही होता है पवित्र, जो पवित्र नहीं रहता है। तो उसके बाल कैसे थे? शायद कभी उसने धोया होगा उसके बालों को, तो ऊर्ध्वपुंड उसके बाल थे, और उसके दांत भी हल के समान थे। ठीक है, आपके रत्नमाला जी, ठीक है, ठीक है, बहुत सही कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसको दूध में विष जहर देके और मार देती। तो भगवान ने दोनों इच्छा पूरी कर दी, दूध भी पिलाया और दूध में जहर देकर भी पिलाया। चलिए, और कोई? हाँ, भगवान प्रकट हुए दोनों जगह। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भगवान यशोदा के पुत्र नहीं थे, भगवान दोनों जगह प्रकट हुए, ब्रज में भी प्रकट हुए, भगवान तो ब्रज में ही रहते हैं, तो गोकुल में भी प्रकट हुए, यशोदा के भी पुत्र थे और भगवान देवकी के भी पुत्र थे। और उनका भाई से मिलते हैं वसुदेव से जी, उनका मिलकर और फिर तुरंत वसुदेव चेता में रहते कि जल्दी उपद्रव का समय है, उपद्रव हो सकता है। उनको पता था कि कंस बच्चों को मरवाना चाहता है, उसे जितनी जल्दी हो सके आप वापस चले जाइए, गोकुल चले जाइए। बहुत अच्छा। और रिद्धि 12 माइल्स लॉन्ग, दैट्स राइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राधा रानी जी और चंद्रावली जी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, किस प्रकार से हो, किस प्रकार से राधा रानी चंद्रावली इस धराधाम में अवतरित हुई, और किस प्रकार से पूतना उनको लेकर गई, चुरा कर लेकर गई, खेचरी। खेचरी का अर्थ क्या होता है? जो आकाश में चरे, चरे का चर का अर्थ चलना या उड़ना, चर विचरण, चर, और खे का अर्थ होता है आकाश। तो जो आकाश से विचरती थी उसे खेचरी कहा जाता है। और कुछ? हाँ,
भगवान के सिक्स ऐश्वर्य, सिक्स ऑपुलेंसेस कौन कौन से हैं? सुंदरता, बल, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और ऐश्वर्य। सब सबके सब ऐश्वर्य कहे जाते हैं। बल एक ऐश्वर्य है, धन एक ऐश्वर्य है, त्याग एक ऐश्वर्य है और सुंदरता एक ऐश्वर्य है और वैराग्य एक ऐश्वर्य। पांच हो गए। एक और छह ऐश्वर्य में एक और ऐश्वर्य क्या ऐश्वर्य है? एक और ऐश्वर्य है उनका यश, यश उनका फेम सब जगह फैला हुआ है। तो धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये छह भगवान के ऐश्वर्य हैं। श्लोक को याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य सच्चैव षण्णां भगिते गणा। भगवान के छह ऐश्वर्य होते हैं और ये किसने बताए हैं छह ऐश्वर्य? उनका नाम क्या था? पराशर मुनि। चलिए बहुत अच्छा, पराशर मुनि बहुत अच्छा। इसको कहते हैं मनन। गाय की पूंछ से, ब्रज की धूली से, गाय के मूत्र से स्नान कराया, मंगलाचरण किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था उसमें? भगवान का नाम। हाँ 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 हाँ। तो गोबर इत्यादि से, ब्रज धूली से, हम लोग भी तिलक करते हैं तो किससे तिलक करते हैं? गोपी चंदन। गोपी चंदन किसे कहा जाता है? गोपी चंदन ब्रज की रज, ब्रज की धूली, ब्रज का चंदन, ब्रज की मिट्टी, उससे जो चंदन बनता है उसको गोपी चंदन कहते हैं। तो उससे हम लोग तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार भगवान, भगवान का नाम ले लेकर भगवान की आगे से ये रक्षा करें, पीछे से ये रक्षा करें, ऊपर से ये भगवान रक्षा करें, नीचे से ये भगवान रक्षा करें, पेट की ये भगवान रक्षा करें, सिर की ये भगवान रक्षा करें, हाथों की, बाहुओं की ये भगवान रक्षा करें, चरणों की ये भगवान रक्षा करें। तो इस प्रकार से भगवान के नाम ले लेकर उन्होंने भगवान की रक्षा का साधन किया। ठीक है, बहुत अच्छा मनन हुआ कल की कथा का। इससे पूरी कथा याद रह जाती है। तिलक के बारे में, तिलक टेंपल जैसा होता है। तो पिलर्स, आपके पिलर्स आज कहाँ गए? सीधे काम से आए, घर में है। तो एवरी डे होना चाहिए, स्पेशली जब हम लोग प्रोग्राम्स में जाते हैं, भक्तों के बीच में जाते हैं, तो ऐसे तिलक किया जाता है। लेकिन यदि आपके काम में अलाउ नहीं है तो केवल पानी से, ओम केशवाय नमः, केवल पानी से कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, इस प्रकार से 12 नामों से तिलक कर सकते हैं तो रक्षा होती है। और एक बहुत बड़ा कारण भी है तिलक करने का और कंठी माला पहनने का। एक बहुत बड़ा कारण है कि यदि किसी ने देह त्याग कर दिया है, लेकिन देह त्याग करते समय या देह त्याग करने के बाद यदि उसने कंठी माला पहनी है, यदि उसने तिलक लगाया है, तो यमराज के दूत उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। यमराज के दूत उसको लेकर नहीं जा सकते हैं, भले ही वो कितना बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कितने भी पाप क्यों ना किए हों, लेकिन यदि ये तुलसी माला है, कंठी माला पहनी है ना, कंठी माला पहनने कुछ नियम होते हैं कि लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाई जाती है, मांस इत्यादि नहीं खाया जाता है, ये सब नियम होते हैं तब ये तुलसी माला पहनी जाती है। एक बार लेकिन एक पापी व्यक्ति, एक महापातक
अति पातक वो जा रहे थे, एक कथा है पद्म पुराण में कि वो जा रहे थे अपने घोड़े में बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर, और अचानक से आगे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया और वो बैलगाड़ी से गिर गए, वो अपने घोड़े से गिर गए। वो गिरे तो उनका सर किस में जाके लगा? पत्थर में जाके लगा, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो जब वो गिरे तो उनका जो हाथ था वो एक तुलसी के वृक्ष के ऊपर जाके गिर गया। तो उनके हाथ का स्पर्श किससे हो गया? तुलसी के वृक्ष से। तो महापातक थे, पापी थे, तो उनको लेने के लिए यमराज के दूत आए, लेकिन उनका स्पर्श नहीं कर सकते थे, उनको लेकर नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुलसी के वृक्ष को छुआ था। कहाँ है कंठी माला? है अंदर, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कंठी माला पहनना चाहिए, हर एक व्यक्ति को कंठी माला पहनना चाहिए, इसके नियमों का पालन करके। यदि देह छोड़ दिया तो फिर यमराज के दूत लेके नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से तिलक जिसने लगाया है, तिलक का क्या अर्थ है? इस वैष्णव तिलक का अर्थ क्या है? आपने बताया, बताइए। मंदिर की दो दीवारें हैं, मंदिर की दो दीवारें हैं, और तुलसी जो दल है ये उसका नींव है, उसकी नींव है, उसकी फाउंडेशन है ना। तो ये तिलक क्या है? ये भगवान का मंदिर है। तो भगवान, हमारा शरीर भी हम भगवान का मंदिर बना लेते हैं, हृदय को तो मंदिर बनाना ही चाहिए। हृदय रूपी मंदिर में कृष्ण को विराजित करना चाहिए, कृष्ण का विराजमान होना चाहिए। तो कृष्ण का विराजमान कैसे होता है हृदय रूपी मंदिर में? भगवान का चिंतन करके। और भगवान का चिंतन कैसे होता है? कथा श्रवण करके। जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं फिर उसका मनन होता है। तो मनन ही हृदय में भगवान को बैठालना है, और बाहर भी अपने शरीर को इस भगवान के मंदिर से, तिलक इत्यादि से सजाया जाता है, जैसा गोपियों ने किया। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। सबने अच्छे से मनन किया है, चिंतन किया है, श्रवण किया है, इसलिए अब हम आप लोगों को रोक के कथा शुरू करते हैं कि अब ठीक है, काफ़ी बता लिया। इसके बाद क्या हुआ? इस कथा के श्रवण का महात्मा है गोविंद लभते रति। पूतना के वध की कथा को सुनने से भगवान गोविंद में रति उत्पन्न होती है, भगवान गोविंद में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार सारी गोपियां, ब्रज के अन्य गोप इत्यादि, उनकी माता, उनके पिता, वे सब कृष्ण के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। और कितनी जल्दी, कितनी शीघ्रता से समय निकल रहा था, इसको किसी को आभास नहीं था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में, भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों में उठाने में सबको आनंद आता था। तो समय जल्दी जल्दी निकल रहा था, जल्दी जल्दी समय बीत रहा था, तो इसका किसी को आभास नहीं था। सूर्यदेव भी ऊपर से भगवान का दर्शन करते थे, चंद्रदेव इत्यादि वो सब भगवान का रात्रि में दर्शन करते थे ना। वहाँ के पक्षी वो सब धन्य हैं, वहाँ के जीव जंतु धन्य हैं, सब भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो धीरे 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 ब्रज में 3 महीने बीत गए। भगवान 3 महीने के हो गए तब की एक कथा है। जब पूतना मोक्ष की, पूतना वध की कथा सुनी परीक्षित महाराज ने, तो परीक्षित महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। परीक्षित महाराज बहुत आनंदित हो गए और अपना आनंद व्यक्त करते हैं। कथा सुनने के बाद अपने आनंद को व्यक्त किया जाता है, इसी को अनुमोदन कहते हैं। से आप सबने अभी बताया कि कल क्या कथा हुई, तो ये कथा का अनुमोदन था। अनुमोदन, पीछे से अपने आनंद को व्यक्त करना अनुमोदन कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे से, मोदन मोद, हृदय का आनंद व्यक्त करना, इसे अनुमोदन कहते हैं। तो बीच बीच में परीक्षित महाराज बारंबार अनुमोदन करते हैं,
और कहते हैं कि आप बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं, इसी तरह से आप कथा सुनाते रहिए, इसी तरह से आप हमें अमृत पान कराते रहिए। यदि कथा में जा ना पाए, कथा में यदि हम लोग ना जा पाए और यदि पता चले कि कहीं पे कथा हो रही है, तो कम से कम इतना अवश्य करना चाहिए कि अपना आनंद व्यक्त करना चाहिए, कहना चाहिए कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये हमेशा होना चाहिए, कथा होती रहना चाहिए, ये हमेशा कहना चाहिए। यदि ना जा पाए तो कम से कम अपना मोद व्यक्त करना चाहिए, अपना आनंद जरूर व्यक्त करना चाहिए। परीक्षित महाराज ऐसा कहते हैं कि येन येन अवतारेणा भगवान हरिरीश्वरः, भगवान हरिरीश्वरः, भगवान कौन है? हरि। हरि शब्द अनेकार्थ द्विमुखतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के बहुत बहुत अर्थ हैं, संस्कृत में हरि शब्द के बहुत अर्थ बताए गए हैं। हम लोग कुछ अर्थों को जानते हैं, जैसे हरि का अर्थ सिंह भी होता है ना, शेर सिंह, या बंदर को भी हरि कहा जाता है। तो हरि शब्द अनेक अर्थ बहुत बहुत हैं, लेकिन उनमें से दो मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे, जो सारे अमंगलों का हरण कर लेते हैं, जो कल्याण करते हैं, उनको हरि कहते हैं। और प्रेम दिया हरे मन, जो हृदय में प्रेम भर देते हैं। तो परीक्षित महाराज के हृदय में प्रेम भर गया पूतना वध की कथा को सुन के, और पूतना वध की कथा के महात्म को सुन के कि गोविंद लभते रतिम, गोविंद में रति उत्पन्न हो जाती है पूतना के मोक्ष की कथा सुन के। तो वे अपने आनंद को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि येन येन अवतारेणा, भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने अवतार इस संसार में भगवान के हुए हैं, उन कथाओं को सुनकर करोति कर्ण रम्याणी, वो सारी की सारी कथाएं सुनने से कर्ण रम्याणी, कानों को बहुत अच्छी लगती है ना। हृदय में कथा कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से हम कथा सुनते हैं? सबसे पहले कानों से सुनते हैं। ऐसा कहा गया है कि अपने कानों को भक्त जन पात्र बना के इस अमृत का पान करते हैं, कथा रूपी नदी को ले लेते हैं। तो कानों से सुनते हैं, तो कर्ण रम्याणी बहुत अच्छा लगता है सुन के, है ना। जिसकी जैसी रुचि उसको वही अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं कि आप कोई मूवी का गाना लगा दीजिए, उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो बस उनका सारा शरीर जो है डगमगाने लगता है, हिलने लगता है, अच्छा लगता है। कुछ लोगों को पुराने गाने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नए गाने अच्छे लगते हैं। अब पुराने गाने लगा देंगे तो बोलेंगे बंद करो इसको, है ना, कुछ तड़क भड़क वाले नए गाने चलाओ, तो उसमें उनका मन लगता है, रमता है। तो कर्ण रम्याणी वो उनके कानों को अच्छा लगता है। और जो जिनको पुराने गाने में जिनको रस आता है, तो वो करेंगे अरे बंद करो ये तड़क भड़क, बंद करो, कुछ कुछ पुराने गाने लगाओ, कुछ गजल लगाओ, तो उनको उसमें उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये सब बेकार है, ये सब तो सुनने से नरक तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के भजन सुनने से, भगवान के भजन सुनने से या भगवान की कथा सुनने से किसको अच्छा लगता है? भक्तों को अच्छा लगता है। जब भगवान के भक्त भगवान की कथा सुनते हैं अपने कानों से, या भगवान के भजन इत्यादि सुनते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन सुनते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो उसमें रमण करते हैं, तब फिर उनके हृदय में कोई और इच्छा नहीं होती कि संसार के गानों को सुने, सांसारिक शब्दों को सुने, उनके हृदय में वो इच्छा नहीं होती है। तो करो तू कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी, इसके बाद फिर मनोज्ञानी, मन को भी अच्छा लगता है। परीक्षित महाराज इस बात को कह रहे हैं कथा सुनने के बाद कि आपके मुखारविंद से कथा सुनने के बाद ये तो कानों के लिए भी मनोरम है और हृदय के लिए भी मनोरम है, हृदय को भी आनंद देने वाली है।
तो विशेष रूप से भगवान की बाल लीलाएं जो आप सुना रहे हैं, क्योंकि अभी किस लीला का वर्णन हो रहा है, कौन सी लीलाएं सुनाई जा रही हैं अभी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, भगवान की बाल लीलाएं। जब भगवान छोटे से हैं और जो लीला करते हैं उन लीलाओं को क्या कहते हैं, बाल लीला। लेकिन भगवान की और भी लीलाएं हैं, जैसे जब भगवान तरुण हो जाते हैं तो भगवान की तरुणावस्था की लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की अन्य लीलाएं हैं। लेकिन जो भगवान छोटे से हैं, 10 वर्ष के अंदर हैं, जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को क्या कहते हैं, बाल लीलाएं। तो भगवान ने ब्रज में गोकुल में बाल लीलाएं की हैं। तो बाल लीलाओं को सुन के मनोज्ञानी चन्ना प्रभो, हे प्रभो, है ना, हे प्रभो, हे ईश्वर। प्रभु का अर्थ ईश्वर होता है, प्रभु का अर्थ महोदय होता है, प्रभु का अर्थ स्वामी होता है। जब हम दूसरों को संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु, है ना। जब माता जी वगैरह भी अपने पति को बुलाती हैं तो ऐसे नहीं बुलाती हैं कि निताई चरण सुनो, ऐसे नहीं, क्या कहेंगे, प्रभु जी, प्रभु जी सुनिए, है ना, इस प्रकार से कहा जाता है, प्रभु कहकर आदर सम्मान से कहा जाता है। लेकिन अपने को दास समझा जाता है, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि मान लीजिए इन्होंने कह दिया अचल, अरे कैसे तुमने हमारा नाम ले लिया, प्रभु कहिए, तो ये तो अहंकार का सूचक है, इसका अर्थ है कि हमारा पतन हो रहा है। अगर मन में भी ये विचार लेकर आ गए कि अरे इसने मेरा नाम ले लिया, इसका अर्थ है कि हमारा पतन हो रहा है। लेकिन दूसरे को प्रभु कहना है, दूसरे को संबोधन करना है तो प्रभु कहना है, और अपने को संबोधित करना है तो दास कहना है, दास कहना है। कभी कभी हम कहते हैं कि जब अपने से उच्च भक्तों को संबोधित किया जाए तो हरि बोल नहीं बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कहना चाहिए, हरे कृष्णा, क्योंकि हरि बोल एक आज्ञा है। और अपने से बड़े भक्तों को आप आज्ञा नहीं दे सकते हैं, तो जो आपसे उच्च भक्त हैं उनको क्या कहें, हरे कृष्णा, है ना। लेकिन जो छोटे हैं जिनको आप कुछ सिखा रहे हैं, प्रेम से कहा जा सकता है, ए हरि बोल इधर आओ, ए हरि बोल थोड़ा पानी लेकर आओ, तो ये अच्छा है संबोधन, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, है ना। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हमारा मूवमेंट फिजी में हरि बोल के नाम से प्रसिद्ध है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फिजी में क्या कहा जाता है, हरि बोल। कोई भक्त यदि दिख गया तिलक लगाया हुआ है तो लोग ये तो हरि बोल है। वो एक अलग बात है। ये तो हरि बोल हो गए। अगर कोई भक्त बन गया तो अरे वो तो हरि, पता है वो तो हरि बोल हो गए, उन्होंने तब ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो हरि बोल हो गए, इस तरह से कहा जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि लोग हरि का नाम लेते हैं, है ना, हरि का नाम लोग नाम लेते हैं कि हरि हरि। तो इस प्रकार से बारंबार राजो वाचा, राजा भी कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा श्लोक है, हमारे पीछे दोहराइए तो ये आप सब की तरफ से ये भी अनुमोदन हो जाएगा कथा का। येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्म रम्याणि मनोज्ञानी चना प्रभो राजोवाच येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्म रम्याणि मनोज्ञानी चना प्रभो। तो बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक के बाद प्रभुपाद जी उसका ट्रांसलेशन हमेशा बताते हैं। तो अभी आपने इसका ट्रांसलेशन सुना, कौन बताएगा, कौन बताएगा कि इस श्लोक का क्या अर्थ है जो श्लोक सुना? आप तो हमेशा हाथ ऊपर रहता है गरिमा जी का,
चलो और किसी को मौका देना चाहिए। भगवान जी की लीलाओं जब करते हैं कानों को मन को अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। कानों से हाँ, कुछ कह रहे थे। भगवान से जो हम लीला सुनते हैं तो हमारे हृदय है जो साफ होता है और साफ होता है हृदय। ठीक है, इस श्लोक का ट्रांसलेशन है, इस श्लोक को कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज। ठीक है, अब आप बताइए। हाँ, परीक्षित महाराज ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? चीजें हैं, गाने हैं, वो सब वहाँ सब हम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट कहा, बहुत ठीक कहा। ये ना बता रहे ना भगवान हरिश्वर, हरिश्वर, हरि कौन है? ईश्वर है। तो हरि के लिए यहाँ पे ईश्वर भी कहा गया और भगवान भी कहा गया। तो भगवान जो ईश्वर है हरी, ये ना अवतारेना, जब उनके विभिन्न अवतारों की कथा सुनते हैं तो कर्ण रम्याणी, केवल कानों को भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं, और मनोज्ञानी, और मन भी, मन को भी अच्छा लगता है, मन का मैल समाप्त हो जाता है। चना प्रभु, तो हे प्रभु, आप इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, हे प्रभु आप हमें भगवान की कथा सुनाते रहिए। इसके बाद अनुमोदन में, अनुमोदन करते करते, अपना मोद व्यक्त करते करते, सुखदेव गोस्वामी पांच महाप्रभावों का वर्णन करते हैं ना। यहाँ पांच देवता बैठे हुए हैं, अब एक एक महाप्रभाव आप बताएंगे बाद में, ध्यान से सुनिए। ठीक है, पांच महाप्रभावों का वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? परीक्षित महाराज कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है। सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी कथा की। यच्छ्रणवतोर अपैतिर अरति वृतिष्णा, जब कोई भगवान की कथा सुनता है तो यच्छ्रणवतो उपैति, तो तुरंत अरति वितृष्णा, भगवान की कथा सुनने से हृदय की ग्लानी चली जाती है, हृदय की ग्लानी समाप्त हो जाती है। अब बोलेंगे ग्लानी क्या है? तो ग्लानी, इस संसार में हम लोगों को बहुत सारी वस्तुओं की इच्छा होती है कि हमें ये वस्तु प्राप्त हो, ये वस्तु प्राप्त हो, या कोई वस्तु हमसे छीन ली जाती है, कोई वस्तु हमसे दूर चली जाती है। हमारे हृदय में इच्छा होती है कि हमें कोई वस्तु मिले, और वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है, या कोई वस्तु हमसे छीन ली जाती है, तब हृदय में जो भाव होता है उसे ग्लानी कहा जाता है। किसी वस्तु के ना रहने का भाव, किसी मटेरियल वस्तु के ना रहने का भाव, इसे ग्लानी कहते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं हृदय की ग्लानी समाप्त हो जाती है। यत् क्षणवतोर उपैती, चली जाती है अरति, क्या चली जाती है? हृदय की ग्लानी समाप्त हो जाती है। हृदय में जो ग्लानी रहती है ना जीवों के, किसी वस्तु के प्राप्त ना होने पर वो समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त होती है? किस कारण से? भगवान की कथा सुनने से, कथा श्रवण करने से। ये प्रथम महाप्रभाव है, महाप्रभाव, इफेक्ट तो है लेकिन महाप्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव है महाप्रभाव। दूसरा, हृदय से भोगों की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। हो सकता है किसी की ग्लानि समाप्त हो जाए लेकिन हृदय में कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ग्लानी तो गई। दूसरा महाप्रभाव ये है कि हृदय से भोग की इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं, डिजायर समाप्त हो जाती हैं हृदय से। तो ये दूसरा महाप्रभाव है।
तीसरा महाप्रभाव, हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसः, पुंसः का अर्थ जीव। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको पुंसः कहा जाता है। बार बार भागवतम में ये शब्द है, पुंसः 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 अचिरेण। अचिरेण का अर्थ है टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। जैसे कथा प्रारंभ सुनना किया वैसे ही अचिरेण पुंसः बहुत जल्दी सत्वम च शुद्धेत, हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय की ग्लानि समाप्त हो जाती है ना? जो भोगों की इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय में सत्व गुण आ जाता है। ये तीन गुण जो प्रकृति के हैं, कौन से तीन गुण है प्रकृति के आप लोगों में, यहाँ से नहीं इस तरफ से, कौन से हैं प्रकृति के तीन गुण? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति के तीन गुण हैं, ये आते जाते रहते हैं ना। कभी हम एकदम सत्वगुणी हो जाते हैं, भगवान के पास जाके बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, बढ़िया से अगरबत्ती लगाते हैं ना, भगवान को खुश खुश करने का प्रयास करते हैं कि हे लाला आप कैसे खुश हो गए, चलो आपको हम ये बना के खिलाते हैं, उनकी तृप्ति के लिए, अपने लिए नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आज हमारे आलू के पराठे खाने की इच्छा है तो आलू के पराठे बनाए बढ़िया अंदर भर के और स्पाइसी चटनी और फिर भगवान के सामने रखा, ये रजोगुण है। ये सब भगवान की सेवा हो रही है लेकिन रजोगुण में, उनके लिए नहीं अपने लिए। लेकिन किसी के हृदय में ये इच्छा हो सकती है कभी कभी, आज अपने लाला को हम आलू के पराठे खिलाएंगे, अपने लिए नहीं है इच्छा, वो लाला के लिए है, है ना। और जब लाला के लिए बनाएंगे तो फिर चटनी स्पाइसी नहीं होगी, फिर चटनी स्पाइसी नहीं होगी, क्योंकि भगवान को बहुत तीखा हम नहीं खिला सकते हैं। जो बहुत तीखा है ये तीखा भी तमो गुण का भोजन है, इसलिए बहुत तीखा खाने की इच्छा भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि हमें बहुत अधिक तीखा इत्यादि खाना है ना। कोई सोचेगा अरे लाला, लाला की जीभ जल जाएगी यदि बहुत तीखा खिलाएंगे तो क्या होगा, लाला की जीभ जल जाएगी, तो फिर सत्व गुण देखिए ठीक ठीक प्रसाद बनेगा, ना ज्यादा तीखा ना ज्यादा खट्टा ना ज्यादा मीठा, बहुत मीठा भी नहीं, एकदम सुगर डाली तो स्वीट राइस में एकदम भर दी, है ना, कि एकदम खाया एक चम्मच और छलांग लगाने लगे, इतनी एनर्जी आ गई। तो ये भी रजोगुण है। तो अच्छा बना के भगवान की तृप्ति के लिए यदि किसी ने ऐसा किया तो ये क्या है, सत्व गुण, एकदम सत्व गुण आ गया। लेकिन ये ज्यादा रुकता नहीं है, लेकिन जब भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जब करते रहते हैं, तो हृदय में सत्वगुण रुक जाता है। लेकिन सत्वगुण में ही नहीं रहना है, सत्वगुण से ऊपर उठना है, है ना। यदि आप एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट ले गए तीन चार बैग लेके और वहीं जाके सो गए, अब यहाँ से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, एयरपोर्ट में आ गए काफी है, तो कोई मतलब है एयरपोर्ट जाने का नहीं। तो सत्वगुण एक एयरपोर्ट के जैसा है, सत्वगुण में जाके सोना नहीं है, है ना, कि वहीं जाके तीन चार बढ़िया चेयर है तो एयरपोर्ट में एकदम अच्छा आराम है तो बस, है ना, वहीं आराम कर। एयरपोर्ट जाने का उद्देश्य क्या होता है, ऊपर जाना, वहां से कहीं जाना है, फिजी जाना है, इंडिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं जाना है। तो कहाँ जाना है सत्वगुण से, शुद्ध सत्व में जाना है, शुद्ध सत्व में। तो सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसः, भगवान की कथा सुनने से जीवों के हृदय में सत्वगुण उत्पन्न हो जाता है, जीवों का हृदय शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद हृदय शुद्ध हो जाने के बाद भक्ति हरौ, भक्ति हरौ, हरि में भक्ति उत्पन्न होती, यह शुद्ध सत्व। एयरपोर्ट से ऊपर उड़ना, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में जाना। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि सत्वगुण में जाओ, सत्वगुण में बस यही पर यही काफी है, पर्याप्त है। सत्वगुण में जाना है लेकिन शुद्ध सत्व में जाने के लिए, क्योंकि वहां से एरोप्लेन है वो ऊपर जाता है, शुद्ध सत्व में जाते हैं। और शुद्ध सत्व में जाना मतलब भक्ति हरौ, हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाना। चौथा महाप्रभाव भगवान की कथा सुनने का है कि तुरंत हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाती है।
चार महाप्रभाव हो गए, ग्लानी समाप्त हो जाती है, भोगों की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, है ना, हृदय शुद्ध हो जाता है और भक्ति हरो, और हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब पांचवा महाप्रभाव सुनिए, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो गई है वो लोग क्या करते हैं, तत्पुरुषे च सख्यं, वो लोग साधु संग करते हैं, वो लोग भगवान के भक्तों का संग करते हैं, उनके साथ सख्य स्थापित करते हैं, मित्रता स्थापित करते हैं। यानी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के साथ मैत्री करता है, मित्रता करता है। जैसे किसी स्त्री को, किसी स्त्री का सबसे बड़ा मित्र कौन है, भगवान के द्वारा दिया गया उसका पति। भगवान के द्वारा किसी स्त्री का सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा फ्रेंड कौन होता है, जो भगवान ने दिया है। ये जो विवाह इत्यादि होते हैं ये कोई मनुष्य नहीं बनाता है, ये सारे के सारे रिश्ते भगवान बनाते हैं, जिसका विवाह जहाँ होना है वहीं होगा। तो ये भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा मित्र है, है ना। तो भक्तों के का जो सख्य है वो भक्तों के साथ होता है, तत्पुरुषे, भगवान के जो जन है उनके साथ सख्य होता है ना? लेकिन वो सख्य किस लिए होता है, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सख्य होता है। इसलिए नहीं कि आ जाइए, बहुत दिन से आप चाय पीने नहीं आए हमारे घर, आके थोड़ा चाय पी लीजिए, कुछ आपके लिए बनाते हैं, कुछ खा लीजिए। भक्तों में भी ये होता है। भक्तों के प्रीति के लक्षण क्या है, क्या लक्षण है भक्तों में आपस में प्रीति, इनसे पूछा क्या लक्षण है, सिक्स क्या है, करेक्ट, ददाती प्रतिग्रहणाती, गिविंग गिफ्ट एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट। लेकिन कैसे गिफ्ट, आपको एक कुछ, हाँ, भक्ति में आगे बढ़ाने वाले हैं, जो हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, ऐसे गिफ्ट। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, भगवान की कथा, भगवान का नाम, है ना, किसी को नेक बीट दे देना, कंठी माला दे देना, जपा माला देना, है ना, ये सब आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ददाती प्रतिग्रहणाती, फिर गुह्यम आख्याति, इसका अर्थ क्या है, रिवीलिंग योर हार्ट इन इन कॉन्फिडेंस, और फिर रिवीलिंग योर हार्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे हृदय में कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारी भक्ति में बाधक बन रहे हैं, तो इसको किसी भक्त से रिवील करना और उनसे ज्ञान लेना और इंक्वायरिंग, पूछना उनसे, है ना। तो भक्त कभी कभी बताते हैं, है ना, बताते हैं भगवान की बातों को, बताते हैं कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे बनाते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, ये बताते हैं। तो गुह्यम आख्याति प्रक्षति, उनसे पूछना और बतलाना, कहना और सुनना, कथा श्रवण और कीर्तन, और इसके अलावा भुंते भोजयते, खाना और खिलाना, लेकिन क्या, भगवान का प्रसाद। यदि किसी को कुछ देना है तो भगवान को ऑफर करके देना, भगवान का प्रसाद देना, इसका अर्थ है कि आप भगवान को दे रहे हैं। यदि ऑफर करके दे रहे हैं मतलब आप भगवान दे रहे हैं, क्यों, कृष्ण प्रसादम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति प्रक्षते भुंते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। तो ये प्रीति के लक्षण है भक्तों में आपस में। तो भक्तों के साथ सख्य स्थापित करना, तत्पुरुषे च सख्यम, ये पांचवा महाप्रभाव है जो अपने आप होता है। जिसके हृदय में भक्ति आ गई है उसका भक्तों में प्रेम होता है। जो भक्त भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने वाले हैं उन भक्तों के साथ प्रेम होता है। तो ये भक्ति के पांच महाप्रभाव हैं। तदेव हारम वद मन्यसे चेत, तो ऐसे संग की, ऐसे भगवान हरि की भक्ति की इच्छा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, परीक्षित महाराज। चलिए समय आ गया पांच महाप्रभावों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले अभिषेक जी करेंगे। पहला प्रभाव
ग्लानी समाप्त हो जाती। बहुत अच्छा, भगवान की कथा सुनने से हृदय की ग्लानी समाप्त हो जाती। ग्लानी का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु के ना मिलने के कारण हृदय में जो दुख होता है, या किसी वस्तु के छीन लिए जाने के कारण जो हृदय में दुख होता है, उसे ग्लानी कहते हैं। वो समाप्त हो जाती भगवान की कथा सुनने से। प्रथम महाप्रभाव। दूसरा महाप्रभाव कौन बताएगा? भोग। हाँ, हम सोचा बोले कि भोग करने की इच्छा भोग की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, तीसरा, हृदय शुद्ध हो जाता है प्रभु जी। चौथा, भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप बताइए। पांचवा, भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और भगवान के भक्तों के साथ सख्य स्थापित होता है। तो ये पांच महाप्रभाव हैं भगवान की कथा सुनने के बाद। ये होता है, ये पांच महाप्रभाव हैं। वस्तु और इच्छा में फर्क है? वस्तु और इच्छा में, वस्तु का अर्थ जब ऐसे कहा जाता है कि किसी वस्तु के छीन लिए जाने पर हृदय की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। चलो कोई ऐसा कहे कि किसी वस्तु, हमसे कोई वस्तु छीन ली गई है या कोई वस्तु हमको प्राप्त नहीं हुई है, तो वस्तु का अर्थ होता है कि कोई सामग्री, कोई चीज, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि हम कोई नई गाड़ी हम लेके निकले, नई गाड़ी लेके निकले शोरूम से, और एक व्यक्ति आया हमारे पास और आके कहता, अरे अरे तुम्हारे पीछे का दरवाजा खुला है। और हम उतरे दरवाजा बंद करने के लिए पीछे का, और तब तक वो बैठ कर ड्राइव करके ले गए। ऐसा होता है बहुत, लोग रुक के कहीं सिग्नल में बोलेंगे आपका पीछे का दरवाजा खुला, बोले टायर पंचर है, तो कोई आदमी निकल के देखेगा ड्राइवर, और तब तक मैं बैठ के ड्राइव करके ले गया। अभी उसका इंश्योरेंस भी नहीं किया था, अभी केवल निकाले थे शोरूम से और वो ले गया। उसको वो कैसे मॉडिफाई कर देगा, जो भी करना है कर लेगा, और उसका इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था। तो हमारे हाथ से वस्तु चली गई, चली गई, तब हृदय में ग्लानी हो जाती है। वो वस्तु चली गई, चली गई, लेकिन वो समाप्त हो जाती है, है ना। और इच्छा का अर्थ तो जानते हैं, डिजायर। कोई भी हृदय में जो इच्छाएं आती, कुछ भी, कोई भी डिजायर, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके हृदय में कोई ना कोई इच्छा नहीं आती है। आती रहती है, इच्छाएं आती हैं जाती हैं। कैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं, वैसे हृदय में इच्छाएं आती जाती रहती हैं। तो इच्छा और वस्तु का अर्थ जो हम कह रहे हैं कि ये कोई भी ना, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है, तो इस तरह से, तो यही पूछ रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से अनुमोदन किया। अनुमोदन किसने किया, कौन अनुमोदन कर रहा है, आप बताइए। परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से अनुमोदन करते करते वे कहते हैं कि अथान्यदपि कृष्णस्य लोकाचरितम् अद्भुतम्। जो भगवान के जो अद्भुत चरित्र हैं इस संसार में, जिस मनुष्य रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, मनुष्य रूप में भगवान आके लीला कर रहे हैं, तो उन्हें आप हमें सुनाइए, अद्भुत, उनकी अद्भुत लीलाओं को। अद्भुत इसलिए कह रहे हैं, दो बार अद्भुत बोले, है ना, पहले भी अद्भुत कहा जा चुका है, फिर से अद्भुत कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी अभी पूतना का वध किया है। 6 दिन का कोई बालक 12 माइल लंबी राक्षसी का वध कर दे, क्या ये अद्भुत नहीं है, ये कितना अद्भुत है। तो आप ऐसी अद्भुत लीलाओं को कहिए, ये हमारे कर्ण रम्याणी और मनोज्ञानी हैं, तो इन लीलाओं को कहिए, कहिए। तो हाथ जोड़ के कहते हैं, कहना प्रारंभ करते हैं फिर से। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी पुनः कथा कहना प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग इसका मनन कीजिएगा घर जाके फिर से, कि पांच महाप्रभाव क्या हैं। इसे कथा के प्रारंभ में प्रतिदिन हम पूछ रहे हैं अभी, कि बताइए।
तो हो सकता है कल फिर से पूछे कि पांच महाप्रभाव बताइए उसका मनन कीजिए। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 3 महीने बीत जाने के बाद, जब भगवान 3 महीने के हो चुके थे, उस समय एक संस्कार किया जाता है, जिस संस्कार को कहते हैं उत्थान। अनेक अनेक संस्कार होते हैं बच्चे के जन्म से लेकर, जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं संस्कार। बहुत प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे जात संस्कार किया जाता है, इसके बाद 12 दिन का जब बच्चा हो जाए तब नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार करने के बाद एक आशीर्वाद संस्कार होता है, जहाँ बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है पौष्टिक कर्म इत्यादि करके। और जब बच्चा प्रथम बार करवट बदलता है तब उत्थान संस्कार किया जाता है। अपने आप से प्रथम बार जब बच्चा करवट बदलता है तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है कि हाँ, इसके सारे अंग, इसका अर्थ है कि सही हैं, है ना, इसके अंग सही हैं। तो एक उत्थान संस्कार करते हैं। जब जब 3 महीने की स्त्रियां गर्भिणी होती हैं तो वो बालकों को बुलाकर उनको खिलाती हैं, पिलाती हैं, वो भी एक संस्कार है कि बच्चों को बुला के खिलाना पिलाना, कि भगवान कृपा करके एक अच्छा बालक उन्हें प्रदान करें, अच्छा बच्चा प्रदान करें, वो भी एक संस्कार है। तो 3 महीने के हो जाने पर मैया यशोदा ने एक संस्कार किया, कदाचित औत्थानिक कौतुकाप्लवे, है ना, एक संस्कार किया बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत खुशी के साथ संस्कार किया। जन्म रक्ष योगे संवेत योषिताम, बहुत सारे अपनी सखियों को, सहेलियों को बुलाकर, अन्य गोपिकाओं को बुलाकर एक संस्कार किया बच्चे के लिए, कि बच्चे को आशीर्वाद प्राप्त हो। तो वादित्र संगीत द्विजमंत्र वाच कहिए, वादित्र संगीत, उसमें पेशेवर गाने वालों को बुलाया गया, जो गाने में जो लोग बहुत अच्छे थे ना, पेशेवर गाने वाले जो धन लेकर गाया करते हैं, उनको बुलाया गया कि आप आएं और आके बहुत सुंदर गीत गाएं। बहुत अच्छे से सजाया गया उनका पूरा घर और बहुत लोगों को आमंत्रित किया गया। तो लोग गा रहे थे, सुबह से गाना प्रारंभ किया लोगों ने। और उसके बाद जब ब्राह्मण इत्यादि आ गए तब द्विजमंत्र वाच कहिए, तो इसके बाद ब्राह्मण क्या करने लगे, वे मंगलाचरण करने लगे, शास्त्रों के अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करने लगे, यज्ञ इत्यादि करने लगे और स्नान इत्यादि क्रियाएं होने लगी, बालक का स्नान कराया जाने लगा मंत्रों के साथ में। तो मंत्रों के साथ में स्नान इत्यादि कराया गया। मज्जनादिसु अभिषेक किया गया, छोटे से बालक का अभिषेक। वैसे भी भगवान का अभिषेक हम लोग सब करते हैं, बारंबार भगवान का अभिषेक करते हैं। उन्होंने अब एक बालक समझ के अभिषेक किया बहुत अच्छे से भगवान का। अभिषेक करने के बाद अच्छे अच्छे वस्त्र पहना कर और भगवान को अपनी गोद में बैठा कर वे लेकर आए। और इसके बाद ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, यज्ञ में बैठा कर मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों बैठे हुए थे उन्हें अपनी गोद में लेकर। और इसके बाद यज्ञ इत्यादि किए, कुछ आहुतियाँ दी। आहुतियाँ देने के बाद इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया। यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने बहुत बहुत दान किया। उनको पहले के ज़माने में गाय प्रदान की जाती थी, गाय दान की जाती थी। कोई भी संस्कार होता था तो लोग गाय दान करते थे। तो गौओं को माला इत्यादि पहना कर, पुष्प की माला इत्यादि पहना कर और दान किया, ब्राह्मणों को दान किया, वस्त्र इत्यादि दान किए और भोजन कराया। तो ब्राह्मणों ने बहुत भोजन पाया, कई प्रकार के पकवान इत्यादि बनाकर। जब संस्कार इत्यादि होते हैं, घर में कोई खुशी का समय होता है, किसी का विवाह संस्कार,
जन्मजात संस्कार या अन्य ऐसे बड़े बड़े संस्कार होते हैं, तो लोगों के हृदय में इच्छा होती है कि खूब पकवान बना के खिलाएं, तो घी में तले हुए पकवान इत्यादि बनाए गए, जैसे पूड़ी इत्यादि, पापड़ इत्यादि और हलवा इत्यादि बनाया गया और बना के लोगों को खूब खिलाया गया। केवल ब्राह्मणों को नहीं बल्कि पूरे नंद ग्राम में जितने लोग थे, गोकुल में जितने लोग थे, सबको खूब खिलाया गया, खूब पिलाया गया। सारी स्त्रियां नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, क्यों ना नाच करें, भगवान का कीर्तन हो रहा था तो इसलिए वो लोग नाच कर रहे थे, नाच गान इत्यादि चल रहा था। और इस प्रकार से सब लोग भोजन करके खुश हो रहे थे, भोजन करके आशीर्वाद दे रहे थे। जब लोग तृप्त हो जाते हैं तो लोगों के हृदय से स्वयं आशीर्वाद निकलता है। और कैसे तृप्त थे, खूब दक्षिणाएं भी मिली थी यहाँ तो दक्षिणा भी भरपूर मिली थी, गाय इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, धन इत्यादि सब कुछ मिला है और खूब खिलाया है, तो खूब मुख से आशीर्वाद निकल रहा था कि ये बच्चा चिरंजीवी हो, सदैव विजयी बने ना, आपके इस राज्य को अच्छे से चलाए, बहुत बहुत गायों का स्वामी बने, है ना, वैश्यों की तरह उनको एक वैश्य पुत्र हैं, तो उस हिसाब से उनको आशीर्वाद दिया जा रहा था। आजकल के ब्राह्मण यदि आशीर्वाद देंगे तो कहो ना भी लगे वैसा आशीर्वाद, है ना, क्योंकि ब्राह्मण नियम का पालन नहीं करते हैं, ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। भले वो ऐसा हमें लगे कि वो धर्म का पालन नहीं करते हैं, फिर भी उनके चरण छूना चाहिए। क्यों, लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों का पतन हुआ है, ब्राह्मणों का पतन हुआ है, ब्राह्मणों का पतन हुआ है, हुआ है, हुआ है ब्राह्मणों का पतन, लेकिन क्या और दूसरों का पतन नहीं हुआ, क्या क्षत्रियों का पतन नहीं हुआ, क्या वैश्य का पतन नहीं हुआ, क्या शूद्रों का पतन नहीं हुआ, तो सबका पतन हुआ है, तो ब्राह्मणों का फिर भी आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु महाराज कभी कभी एक कथा कहते हैं, एक बार एक रामचंद्र नाम के राजा थे, अयोध्यापति राम ने एक राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र, तो उन्होंने एक बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला के कहा कि अगर आप सब सच्चे ब्राह्मण हो, सब सच्चे ब्राह्मण हो, तो एक बहुत बड़ा सा उन्होंने वहां पे एक पात्र रखा, एक बहुत बड़ा पॉट रखा जो पानी से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगस्त जी पूरा समुद्र पी गए थे, अगर आप सब सच्चे ब्राह्मण हो तो ये पानी पी के बताओ पूरा। बहुत बड़े पॉट में पानी रखा गया। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, क्या किया जाए। तो वहां पर एक विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, तो विद्वान ब्राह्मण जी ने अपना सालेग्राम शिला निकाला, अपने पास से सालेग्राम शिला लेके चलते थे, से हमारे प्रभु जी लाला लेके चलते हैं, प्रभु भी लाला लेके चलते हैं, तो उन्होंने भी अपना सालेग्राम निकाला और निकाल के कहते हैं कि पूर्व काल में एक रामचंद्र जी के राजा हुए हैं जिन्होंने समुद्र में सेतु बना दिया था, आप ये हमारे छोटे से सालेग्राम को इसमें तैरा के बताओ। आप ब्राह्मणों की बात करते हो, ये छोटे से सालेग्राम जी को इस जल में तैरा के बताओ, तो फिर वो समझ गए कि हमसे क्या गलती हुई, तो जाए गए और जाके उनसे क्षमा मांगी। तो जैसे ब्राह्मण उपलब्ध हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, कभी भी उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। तो आशीर्वाद इत्यादि लिया गया और इसके बाद मानो भगवान थक गए, गोद में लिए लिए सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत सारे, भगवान को अग्नि के सामने भी बैठा लग गया था, अग्नि से धुआं निकलता है, तो भगवान ने ऐसा व्यक्त किया कि मानो भगवान की आंखें अब दर्द करने लगी हैं, भगवान के नेत्रों में निद्रा छाने लगी, निद्रा छाने लगी, तो भगवान ऐसा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान को नींद आ रही है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि भगवान को नींद आ रही है, कहाँ सुलाएं, सब जगह तो लोग भरे पड़े हैं, पूरे घर में आगे पीछे सब जगह लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैया ने देखा कि एक छकड़ा पड़ा हुआ था, छकड़ा का अर्थ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी देखिए
इसमें बैल नहीं जूते थे, बैल नहीं थे, वो ऐसे बैलगाड़ी खड़ी थी। जब बैलगाड़ी ऐसे खड़ी रहती है बिना बैलों के, तो आगे का भाग ऊपर हो जाता है और नीचे का भाग नीचे। तो एक बैलगाड़ी एक खड़ी हुई थी, वहीं उनको स्थान मिला। तो एक कपड़े को लेकर आई अंदर से, एक छोटा सा बिस्तर, छोटी सी जगह, भगवान को सोने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है। तो अंदर से एक ब्लैंकेट इत्यादि कुछ लेकर आई और एक चादर इत्यादि लेकर आई और उसी छकड़े के नीचे भगवान को सुला दिया और थोड़ी देर तक बालक के साथ वहीं पर लेट गई और उसको सुलाने लगी। इसे माताएं सुलाती हैं, बालकों को सुलाना कोई आसान काम नहीं है। तो माताएं लोग सब जानती होंगी कि माताएं कि बालकों को सुलाने में बड़ा कष्ट लगता है, सो जाओ सो जाओ, और विशेष रूप से जब कोई काम करना हो घर में तब वो और नहीं सोते हैं। तो बहुत उसको हाथ से ऐसे ठोक ठोक कर मैया ने उनको किसी तरह से सुला दिया, भगवान सो गए। और इसके बाद माता जी चले गई, यशोदा मैया चले गई अपने मेहमानों की आव भगत करने के लिए, और जितने लोग बचे थे उनको खिलाना था, सबको खिलाने लगी। तो इस प्रकार से सबको उन्होंने खिलाया पिलाया, तृप्त किया। लेकिन भगवान ने अपनी आँखें खोली, उस छकड़े के ऊपर एक कपड़ा भी डाल दिया था कि भगवान को सूर्य की रोशनी ना लगे। उस छकड़े के ऊपर क्या रखा हुआ था, कौन सी वस्तुएं रखी हुई थी, दूध दही घी माखन, इस सब के घड़े रखे हुए थे उस छकड़े के ऊपर, बड़े बड़े घड़े। एक में घी भरा था, एक में माखन भरा हुआ था, किसी में कुछ भरा था, किसी में कुछ भरा था, पानी के घड़े भी रखे हुए थे। मानो रस रखा है सब घड़ों में, रस। भगवान सोचते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, ये मेरे ऊपर छकड़ा कैसे आ गया। सबसे ऊपर तो मैं हूँ, सबसे ऊपर मुझे रहना चाहिए, एक गोस्वामी ऐसी व्याख्या कर, मेरे ऊपर ये छकड़ा कैसे है। कोई गोस्वामी कहते हैं सबसे बड़े रस भगवान हैं। रस का अर्थ क्या होता है, चमत्कारी चमत्कारी सुखम इति रसः, चमत्कारी सुख जो कैसा आनंद दे, चमत्कारिक आनंद दे, चमत्कारिक आनंद, बहुत अच्छा लगने लगे, बहुत अच्छा लगने लगे। भगवान को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, है ना? इस संसार के लोगों को देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? परिवार के लोगों को जो बहुत दिनों के बाद हमसे मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है उनको देख के। आपके जो रिश्तेदार बहुत दिनों के बाद आएंगे इंडिया से या कहीं और से, देख के अच्छा लगता है। लेकिन भगवान के पास जब सामने जाके अगर अच्छे से देखें, है ना, हम लोग अच्छे से देखते नहीं हैं भगवान को, हम लोगों में ये कमी है। जब भगवान के पास जाएं तो भगवान को अच्छे से देखें, प्रेम से, है ना, कुछ मांगने के लिए नहीं कि हे कन्हैया हे लाला हमें ये दे दो ये दे दो, नहीं, इसलिए नहीं, बस प्रेम से जाके केवल मूर्ति का रसा स्वादन कीजिए। अगली बार जब मंदिर जाइए तो केवल प्रेम से देखिए कि भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं, देखिए इस बात को कि क्या कहीं से चरण कमल दिखाई दे रहे हैं कि ढके हुए हैं चरण कमल फूलों से। यदि दिखाई दे जाए तो देखिए कितने कोमल हैं, ना किस तरह से भगवान ने ड्रेस पहनी हुई है वो देखिए, कैसी मालाएं पहनी हुई हैं वो देखिए, भगवान का मुखारबिंद देखिए, उनके बालों को देखिए, उनकी पगड़ी को देखिए, भगवान का सब कुछ चिन्मय है, उनके आभूषणों को देखेंगे तो वो उनको देखना भी भगवान को देखना होगा। तो देख के रस लेने की कोशिश कीजिए, और जब इस तरह से प्रेम के साथ केवल देखने के लिए देखेंगे कृष्ण को, और किसी कामना से नहीं, बस प्रेम से देखिए, केवल देखने योग्य यदि कोई है तो भगवान है। तो प्रेम से यदि देखेंगे चमत्कारी सुखम, तब चमत्कारी सुख मिलेगा, चमत्कारी सुखम इति रसः। तो रस कौन है, रसो वही सह, वही रस है, भगवान ही रस है, क्योंकि उनमें ही चमत्कारिक सुख है। पानी चाहिए, थोड़ा पानी प्रभु को दीजिए। रसो वही सा, भगवान ही रस है एकमात्र। भगवान ने सोचा मेरे ऊपर ये दूसरा रस कहां से आ गया, माखन घी दूध दही जल, ये दूसरा रस मेरे ऊपर कहां से आया,
मैं सबसे ऊपर हूँ, ये रस कहाँ से आया? लेकिन आंतरिक बात ये थी, उस छकड़े में एक भूत बैठा हुआ था, एक भूत, एक भूतनी अभी अभी आई थी, भगवान ने मारा क्या नाम था उसका? पूतना। लेकिन उस छकड़े के ऊपर एक भूत बैठा था। ऐसे हम सब भी भूत हैं। महाराज कहते हैं कि एक बार हमने कहा हम सब भूत हैं, तो एक आदमी को गुस्सा आ गया कि महाराज आप होंगे भूत, हम कैसे भूत हैं, हम भूत नहीं हैं। महाराज कहते हैं कि जीव को भूत कहा जाता है, जीव है उसको भूत कहते हैं, सभी भूत हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल भूत थे, अच्छे भूत नहीं थे, खतरनाक भूत थे, है ना। भूत का शरीर नहीं होता है, या दूसरा शरीर, कभी कभी ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो हवा से उड़ जाता है। क्यों बैठे हुए थे धुंधुकारी बांस के अंदर, क्यों बैठे थे? किसी ने प्रश्न नहीं किया कि बैठने के लिए उनको बांस ही क्यों मिला, ऐसा प्रश्न आना चाहिए हृदय में, है ना, कि आया था पूछा नहीं। अच्छा, तो बांस के अंदर वो क्यों बैठे, घुस के क्यों बैठे बांस के अंदर? क्योंकि उनका शरीर इतना हल्का था, इतना हल्का था कि हवा चलती तो उड़ जाते हैं। भूतों का शरीर ऐसा होता है, वो एक जगह रुक नहीं सकते हैं, यदि हवा चलेगी तो वो उड़ जाएंगे ना। उनका जो मुख होता है, कुछ कुछ भूतों का मुख केवल उसमें सुई की नोक के बराबर छिद्र होता है, सुई की नोक, उससे भी छोटा, ना कुछ पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं, इसलिए वो तड़फते रहते हैं। इसलिए उनके लिए यज्ञ आदि किए जाते हैं, उनके लिए तर्पण किया जाता है कि उनको मुक्ति मिल जाए, प्रयास किया जाता है इसलिए। तो ये छकड़ा, तो ये भूत किसी ना किसी की शरण ले लेते हैं, या तो बांस के अंदर घुस गए, या कोई घर, एकांत स्थान में कोई घर है जहां कोई नहीं रहता है, सुनसान स्थान, तो उस घर के अंदर चले जाते हैं और उस घर को अपना शरीर बना लेते हैं, स्थूल शरीर इस तरह से ग्रहण कर लेते हैं। या कोई सुनसान वृक्ष है ना, कोई दूर कोई वृक्ष है सुनसान, उसके अंदर कोई छिद्र है तो वहां पर रहने लगते हैं, या किसी मनुष्य के अंदर रहने लगते हैं, किसी मनुष्य को ही अपना घर बना लेते हैं ना। कभी कभी कहते हैं हम लोग कि उस मनुष्य को भूत लग गया तो उसको ही अपना घर बना लेते हैं, बहुत मुश्किल से निकलते हैं, बहुत झाड़ना फूकना पड़ता है, बहुत मुश्किल से, तंत्र विद्या वाले जानते होंगे, तंत्र मंत्र से किसी तरह से निकालते हैं। लेकिन यदि कंठी माला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, भगवान का नाम जपेंगे, तो कोई भूत अंदर नहीं घुसेगा। तो छकड़े के ऊपर आके वो भूत बैठा हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सकटासुर, जो सकट के ऊपर बैठा था। वो छकड़ा, वो बैलगाड़ी, वो सकट है ना, उसके ऊपर जो असुर बैठा है तो सकटासुर। तो भगवान जान गए कि ये सकटासुर बैठा है और ये राह देख रहा है कि ये मुझे कब मारे। ये भी कंसेन प्रहिता घोरा, ये भी घोर असुर था जो कंस के द्वारा भेजा गया था। तो वो राह देख रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं कृष्ण को मारूं, कृष्ण का वध करूं। तो भगवान ने उसके पहले ही, भगवान रोने लगे, मानो ये बताना चाहते हैं सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ सुला दिया अकेले में सकट के नीचे। लेकिन कुछ बालकों को वहां पर बैठा ला था मैया ने कि देखते रहना, जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कोई बैल आके सींग मार दे ना, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं सब गोपी गोपिकाएं कृष्ण का। तो कुछ बालकों को वहां पर बैठा दिया था, तो बालक ध्यान से वहां पर देख रहे थे कृष्ण को। और वैसे ही कृष्ण इतने सुंदर थे कि उनको किसी दूसरे खिलौने की आवश्यकता नहीं थी, कृष्ण को देखने में ही उनको अच्छा लगता था बालकों को। तो ऐसे करके बस कृष्ण को देख रहे थे, कोई पंखा झल रहा था तो बालक बड़े प्रेम से कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, साक्षात कृष्ण बैठे हैं, है ना, सबसे बड़े खिलौने, सबसे बड़े आनंद देने वाले, रसो वैसा चमत्कारी सुख वहीं बैठे हैं। इसलिए भगवान रोने लगे जोर जोर से, और फिर बालक यहाँ वहाँ देखने लगे कि माताएं आए उठाएं, और भगवान अपने पैर को ऐसे ऊपर धीरे धीरे
करने लगे। तो बालक करते हैं ना, बच्चे कभी कभी लेटे लेटे अपने पैरों को ऐसे करते हैं, तो भगवान भी अपने पैरों को ऐसे ऊपर करने लगे। तो भगवान के पैर उस समय कैसे थे? भगवान के कपोल के समान, कपोल कहा जाता है गालों को, जैसे गाल मुलायम होते हैं उसी तरह से भगवान के चरण कमल मुलायम थे। अभी तो ठीक है, आप लोगों का शरीर मजबूत हो गया है, पैर भी मजबूत हैं, लेकिन बच्चों का शरीर जानते हैं ना कैसा होता है। छोटे से बच्चे, 3 महीने का बच्चा सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे जो बॉडी है वो थोड़ा स्ट्रांग होने लगती है, शरीर थोड़ा मजबूत होने लगता है। तो उस समय भगवान केवल 3 महीने के थे, तो भगवान के चरण कमल बहुत मुलायम थे, उनके कपोलों में, उनके चरण कमल में कोई अंतर नहीं था। लेकिन जब भगवान ने धीरे से केवल उस छकड़े पे ऐसे पैर मारा, तो वो छकड़ा आकाश में ऐसे उलट गया, ऐसे आकाश में से चला गया। वो छकड़ा, एक बच्चे ने पैर मारा और वो आकाश में चला गया, और दूसरे बच्चे देख रहे थे कि अरे इसका पैर लगा और ये आकाश में चला गया, और उसमें जो भी भांड इत्यादि रखे थे, बर्तन रखे थे, वो सब चारों तरफ ऊपर चले गए और नीचे गिरे, थाड़ 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 करके जो मिट्टी के थे वो फूट गए, और जो दूसरे धातुओं के थे जोर से आवाज आई है ना, और वो आकाश में जाकर राक्षस ने भी शब्द किया, सकटासुर ने आ करके, सकटासुर भी गिरा, उसने भी आवाज की, दहाड़ की, वो भी मर गया, और वो छकटा, वो चकना चूर हो गया। जोरों से आवाज आई, चारों तरफ से लोग वहां पे दौड़ के आए कि अरे क्या हुआ, ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, कोई टोर्नाडो नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे आकाश में उड़ गया? और बालक वहीं पे लेटा हुआ है, बालक आराम से, पहले तो रो रहे थे लेकिन जैसे माताएं तो हंसने लगे उनको देख के। तो तुरंत सबसे पहला काम क्या हुआ, मैया ने उठाया और उठा के अपनी छाती से लगा लिया कि कहीं से कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कुछ इसके ऊपर कोई पात्र घेरा तो नहीं। मैया ये नहीं सोच रही है कि आकाश में छकड़ा ऊपर कैसे चला गया, बर्तन कैसे फूट गए, उसको केवल कृष्ण की चिंता है। लेकिन दूसरे लोग सोचने लगे, ये छकटा ये आकाश में गया कैसे, ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा, कौन सा ऐसा राक्षस आया, क्या हुआ, कैसे ये आकाश में गया, कैसे ये पात्र फूटे, भांडम विनक्ति ये सब कैसे हुआ। तो कुछ गोप बड़े बड़े अपना डंडा लेके आजू बाजू जाके देख रहे हैं, थोड़ा आगे जाके देख रहे हैं कि क्या हुआ, कोई कौन है, कोई जानवर तो नहीं है, कोई राक्षस तो नहीं है, कोई असुर तो नहीं है, चारों तरफ जाके, लेकिन कोई नहीं मिला। तो वापस सब लोग आ गए, है ना। कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। प्रभु ने एक वीडियो एक सुबह सुबह भेजा न्यू विंजर में एक घर अकस्मात जल गया, है ना, कोई कहते हैं बिजली गिरी, है ना, लेकिन नीचे लिखा हुआ था उसमें कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कॉज क्या था, क्या हुआ एक्चुअली, वो समझ में नहीं। अचानक से घर में आग लग गई और घर जल गया पूरा घर, है ना, अचानक से, हो सकता है बिजली गिरी होगी या कुछ हुआ होगा, जो भी होना है। तो लेकिन आश्चर्य, लोग तो आश्चर्य से सोच रहे हैं क्या हुआ, पता लगा रहे हैं, किसी ने बॉम्ब नहीं रखा, कुछ नहीं किया, वो घर अचानक से भस्म कैसे हो गया, कैसे जल गया। तो वैसे ही वहां पे सब आश्चर्यचकित हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। बालकों से पूछा, बालक वहां पे बैठे हुए थे, अरे तू बता श्रीदामा क्या हुआ यहाँ पे, नहीं अर्जुन तुम बता क्या हुआ, सखा थे जिसका नाम था अर्जुन, छोटे से बालक, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, नहीं हमने देखा है, ये खेल रहा था, खेल खेल में ऐसे लात मारी और वो आकाश में चला गया। तो दूसरे लोग अपने सिर पे हाथ रख के कह रहे, दूसरे लोग जो आजू बाजू खड़े थे, ये तो बालक हैं, इनके पास तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम लोग भी धूर्त हो क्या जो बालकों से पूछ रहे हो क्या हुआ। लेकिन उस समय सत्य कौन जानता था, केवल वो छोटे छोटे बालक जानते थे, और कोई दूसरा उस समय सत्य नहीं जानता था। जरूरी नहीं है कि अब जब बूढ़े हो जाएंगे तभी आपको कृष्ण ज्ञान होगा, जरूरी नहीं है।
जब साधु संत बन जाएंगे, भगवे कपड़े पहन लेंगे, तभी आपको कृष्ण ज्ञान होगा। ये जरूरी नहीं, छोटा सा बच्चा भी कृष्ण के बारे में जान सकता है, है ना। परीक्षित महाराज छोटे से बच्चे ही थे ना, और गर्भ में भगवान के विषय में जान लिया, है ना। जब हम लोग पूछते हैं यहाँ पे कि कल की कथा में क्या हुआ, तो कौन बताता है सबसे ज्यादा? बच्चे बताते हैं सबसे ज्यादा, है ना। पुनीत जब छोटा सा था, है ना, तो कोई भी प्रश्न पूछो और सबसे पहले पुनीत बताते थे। अभी रिद्धि, गरिमा, भव्या, ये सब इसी श्रेणी में है। बच्चे ही सबसे ज्यादा बता रहे हैं बातों को, और लोग भी बता रहे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा बता रहे हैं। तो जो कृष्ण के बारे में ध्यान से सुने, अपने हृदय में बसाए, देखे, उसी को ज्ञान है कृष्ण का। तो बच्चे ही उस समय कृष्ण तत्ववेत्ता थे, वो जानते थे कि इसने पैर मारा है और वो ऊपर गया है आकाश में। वो सही बता रहे थे, लेकिन दूसरे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि अरे नहीं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चे वो सही बता रहे थे। तो मैया तुरंत चली गई, और ब्राह्मण खा के जा चुके थे। मैया ने तुरंत फिर से खबर भेजी, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलाया जाए, अच्छे अच्छे ब्राह्मण। जो पूतना मोक्ष के बाद हुआ था वो पुनः प्रारंभ हो गया, पुनः वहां पे भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा, पुनः ब्राह्मणों को बुलाया और पुनः ब्राह्मण स्नान करने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि जल लेकर आओ, शुद्ध जल लेकर आओ। ब्राह्मणों ने कहा दही लेकर आओ, दूध लेकर आओ, कुश लेकर आओ और दूबा इत्यादि लेकर आओ, ये ब्राह्मणों ने कहा। तो कुश के द्वारा जल, दूध इत्यादि, दही इत्यादि मंत्र पढ़ के ब्राह्मण उस पुत्र के ऊपर डालने लगे, रक्षण मंत्र बोलने लगे। कुश जानते हैं कुश क्या है? कुश एक ग्रास है। हम लोग बड़े धन्य हैं कि यहाँ पे वो कुश ग्रास मिलती है, लेकिन ये कुश ग्रास ये वराह देव जी के रोए हैं। कुश कैसे उत्पन्न हुआ? ये वराह देव जी के रोए हैं। जिस समय वराह देव जी प्रकट हुए थे, जानते हैं कैसे प्रकट हुए थे? वराह कहाँ से आए थे? ब्रह्मा की नाक से आए थे वराह देव जी, ठीक है, ब्रह्मा की नाक से आए थे। अब बताइए किसका वध करने के लिए आए थे वराह देव जी? दो राक्षस हैं बड़े भयंकर, और कोई नहीं, बताइए उनसे पूछ रहा। दो राक्षस हैं बड़े भयंकर, जय विजय, सबसे पहले क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, राइट, उनसे पूछ रहे हैं। हिरण्यकश्यप का वध किसने किया? नरसिंह देव जी ने। कैसे भूल सकते हैं, तो नरसिंहा पढ़तो नरसिंहा ये तो ये तो यामी तरस तो नरसिंहा। हिरण्याक्ष का वध किसने किया? वराह देव जी ने। हिरण्याक्ष का वध वराह, सब कुछ याद है, अचानक से पूछ ले तो भूल जाते हैं डर के कारण। अचानक से पूछ लेते हैं तो डर के कारण सब दिमाग से निकल जाता है। अगर हम वहां बैठेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। अब ऊपर बैठ के पूछिए माधव गोविंद प्रभु बताइए, तो हमारा भी वही, अचानक से फिर सब भूल जाएंगे। इसे तो याद है। तो कुश कहां से आए हैं? ये कुश ही वराह देव जी के रोए हैं। जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने शरीर को फटकारा, ऐसे झाड़ा, तो उनके जो रोए चारों तरफ पड़े इस पृथ्वी पर, तो वो क्या हुए? वही कुश के रूप में बाहर आए, जिन्हें पूजा में उपयोग किया जाता है, इसे सबसे पवित्र माना जाता है कुश ग्रास को। और न्यूजीलैंड में कुश मिल जाता है, कई जगह तो मिलता नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड में कुश प्राप्त है, मिल जाता है, लोगों के घर पे लगा हुआ है। अभी तो हम गए वहाँ पे हैमिल्टन मंदिर में कथा करने के लिए गए थे 9 दिन की, वहाँ बेलपत्र लगा हुआ है, पीपल का पेड़ लगा हुआ है। देखिए पीपल, बोले कैसे आए? तो बोले कोई फिजी से लेके आ गया, किसी तरह से छुपा के लेके आ गया। वाह क्या क्या बात है, पीपल का वृक्ष लगा हुआ है ना। तो जो भी है तो अच्छी बात है कि यहाँ पे पीपल का वृक्ष भी है। तो इस प्रकार ब्राह्मणों ने फिर से स्वस्ति वाचन किया,
और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने क्या आशीर्वाद दिया कि इसे किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आए, ये चिरंजीव। दोबारा वही ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं और दोबारा उनको दान दिया गया। दोबारा फिर से गऊएं दी गई, वही अभी अभी खा के गए थे, दोबारा बिठा के खाया खिलाया गया। तो एक बार खा के गए थे उन ब्राह्मणों को, क्या फिर से भूख लगाई? अब फिर से बैठ के खा रहे हैं, हाथ सूखा ब्राह्मण भूखा। हम लोग कहते ब्राह्मण का हाथ यदि सूख जाए, हाथ सूखा ब्राह्मण भूखा है ना। तो वो दोबारा वो खाने लगे ब्राह्मण, दोबारा प्रेम से खा रहे हैं। तो प्रथम बार आए थे तो आशीर्वाद दिए थे, यज्ञ किए थे, अब दोबारा फिर से आए तो उनको उनको रक्ष इत्यादि मंत्र बोल के अब दोबारा भोजन कर रहे हैं आशीर्वाद देने के बाद। तो ये परम पावन लोग हैं, परम पावन वैष्णव हैं। ये कैसे ब्राह्मण थे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों का शाप और ऐसे ब्राह्मणों का वरदान कभी खाली नहीं जाता जो दूसरे की निंदा नहीं करते और किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। तो ऐसे ब्राह्मण थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मण थे ना। आजकल के तो कोई भी ब्राह्मण कोई भी साधु बन जाता है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेंगे भी नहीं। भारत में एक साधु हुए हैं अभी अभी, बहुत फॉलोवर्स पता नहीं कहाँ से उनके पीछे घूम रहे हैं। वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी जो उनके मन में आ जाता है, कोई शास्त्र की बात को नहीं, जो मन में आ गया बोल दिया, जो मुंह में जो दिमाग में आया बोल दिया। एक व्यक्ति उनके पास आए और आकर कहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कौन से रंग की गाड़ी है चेंज कर दो। ये कोई बात है? गाड़ी चेंज कर दो, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, गाड़ी चेंज कर दो। एक व्यक्ति आया, आके उनसे कहा कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, आपकी पत्नी के पर्स का रंग क्या है? कोई बात है? आपकी पत्नी के पर्स का रंग क्या है? काला। उसको बोलो पिंक पर्स लगाए, चेंज कर दे। महाराज बहुत विपत्ति है हमारे घर पे, बहुत विपत्ति, 5 लाख है अभी दान कर दो। अरे कुछ भी, और हजारों हजारों फॉलोअर्स हैं उनके पीछे, कुछ भी मन में आया लोग बोल दिए। और तो ऐसे साधुओं की मति तो भ्रष्ट है, जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनकी मति भी भ्रष्ट है, तो उनको फॉलो कर रहे हैं। कुछ कोई कोई बोलेगा तो कहाँ से बोलेगा? शास्त्र से बोलेगा, शास्त्र की बातों को बोलेगा। लेकिन है जो भी है, फेसबुक में फेक पीपल हैव मोर क्राउड्स, करेक्ट, फेक पीपल गेट अटेंशन ऑफ मोर क्राउड्स, मोर क्राउड, सही बात, कलयुग है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, जहाँ पे सत्य बात बताई जाएगी वहाँ कम लोग होंगे, लेकिन जहाँ पे फेक बातें बोली जाएगी, कुछ तंत्र मंत्र कुछ ऐसा कर दिया जाएगा थोड़ा बहुत, तो बस लोग उनके पीछे आ जाएंगे कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही भगवान हैं। तो भगवान मान के लोग उनकी पूजा करने लगते हैं और वो कहते हैं हमारा नौका विहार करो अब इसके बाद। तो एक बड़ी सी नाव बैठा के फिर उनको ही नौका में बैठा के उनका नौका विहार किया जाता है। तो खैर मनुष्य को समझदार होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रत्येक मनुष्य समझदार है, प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि है, अपनी बुद्धि से कार्य करता है, फिर क्यों इस माया के चंगुल में इस तरह से फंस जाता है? तो वहाँ भी थोड़ा सा दिमाग मनुष्यों को लगाना चाहिए और इस तरह से कार्य करना चाहिए कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या हो, इन सब कथाओं को सुनने का लक्ष्य क्या है, कृष्ण के विषय में जानना, कृष्ण के विषय में सुनना, क्यों? अंते नारायण स्मृति, कि जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण हो। इसलिए समय हो गया है, एक छोटी सी एक कथा कह के और समाप्त करते हैं कि जीवन का अंत, जीवन के अंत में हम लोगों की क्या धारणा होना चाहिए, जीवन का अंत हमारा कैसा हो, कैसा हो शास्त्र के हिसाब से? शास्त्र क्या कहता है जीवन के अंत में क्या हो?
भगवान का स्मरण हो। कौन सा श्लोक है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए अपने कलेवर अपने शरीर को त्याग कर त्यागता है तो वो मेरे पास आता है अर्जुन, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भगवान ये कहते हैं अंत काले क्षमा में विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अपने कलेवर को अंत काल में यदि कोई छोड़ता है, लेकिन कैसे? मेरा स्मरण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए भगवान का स्मरण कर तो भगवान के पास में जाता है। लेकिन उसके पहले यम यम वापी स्मरण भावं तेज तंते कलेवरम, अंत जीवन भर जो जो कार्य करता है अंत में उसको वही स्मरण होता है। पहले लोग गाय पालते थे, आजकल लोग कुत्ता पालते हैं। गाय पालेंगे तो किसका स्मरण होगा? गौ पालक भगवान का। कुत्ता पालेंगे तो किसका स्मरण होगा? क्योंकि पूरे दिन तो उसकी सेवा में लगे रहेंगे, कुत्तों की सेवा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मरते समय अपनी संपत्ति को भी कुत्तों के नाम करके चले गए हैं। बहुत से ऐसे लोग, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो ठीक है उनको भी भगवान का प्रसाद खिलाएं और भगवान का नाम बोले, उनको भी मुक्त कर दें, उनकी बात अलग है। लेकिन लोग अपने घर में चार चार छः 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 कुत्ते रखते हैं, चार छः कुत्ते, और बस दिन भर उनके पालन में लगे रहते हैं। उनके साथ भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन डॉग के बारे में सब, गॉड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन डॉग के बारे में सब कुछ पता है। और सुबह भगवान का नाम जप करने के लिए नहीं उठते, लेकिन चार बजे कुत्ते को घुमाने के लिए लोग उठ जाते हैं, है ना? तो किसका स्मरण होगा मरते समय? कुत्ते का स्मरण होगा। एक बार हम लोग गए थे एक गाड़ी में बैठकर, एक बस में बैठकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। कहाँ गए थे? नैमिषारण्य की तरफ, उस तरफ चले गए थे, उत्तर प्रदेश की तरफ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फीस्ट हुआ, एक बहुत बड़ा फीस्ट। एक गुजराती फैमिली थी तो फीस्ट कर रहे थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छा फीस्ट था। हम लोगों सब ने फीस्ट खाया। तो पूछा कि क्यों फीस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे बापू, उन्होंने देह त्याग कर दिया तो उनकी आत्मा की शांति के लिए फीस्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हम सब ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद हम सबको एक एक कोको कोला की बोतल सर्व की गई। तो हम लोग, ये तो आज तक नहीं देखा, है ना? लोग जूस देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन कोको कोला की बोतल दी जा रही है सबको एक एक, इसका क्या कारण है? कोको कोला बांटी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि, उनसे पूछा कि क्या कारण है, तो वो कहते हैं हमारे जो बापू थे वो भोला के बहुत बड़े भक्त थे, भोला के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब वो मरने लगे तो हम लोगों ने कहा ये भोला के भक्त हैं, तो हम लोगों ने कहा कि बापू बोलो भोला। हम लोगों ने कहा बापू बोलो भोला, लेकिन बिना कोको कोला पिए तो ये रहते नहीं थे। प्रतिदिन इनको कोको कोला कई बार चाहिए रहता था, उसके बिना उनको नींद भी नहीं आती थी। हमने कहा बापू बोलो भोला, बापू बोले कोको कोला। तो हम लोगों ने सोचा कि बापू की इच्छा है कि इनके मरने के बाद कोको कोला बांटी जाए। हम लोगों ने बोला क्या आपकी कोको कोला की फैक्ट्री है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे बापू की इच्छा थी कि मरने के बाद सबको कोको कोला की बोतल बांटी जाए, तो इसलिए हम लोग कोको कोला बांट रहे हैं। तो जीवन भर जो ज्यादा किया है उसी का स्मरण होगा। जीवन भर इंद्रिय तृप्ति की है तो अंत में कृष्ण का नाम याद आ जाए वो नहीं हो सकता है। जितना ज़्यादा कृष्ण की कथा सुनेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, किस कृष्ण का कीर्तन गाएंगे, कृष्ण का दर्शन करेंगे, कृष्ण भक्तों के संग में रहेंगे, तब कृष्ण का स्मरण होगा। भगवद गीता में लिखा है अभ्यास से, अभ्यास से। तो अभ्यास करना चाहिए जीवन पर्यंत, कुछ भी करो। गुरु महाराज कहते हैं स्थानांतरण हो जाए, कालांतर हो जाए, लेकिन कार्यांतर नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये आज्ञा दी। और कार्यांतर क्या है? भगवान की कथा कहना, सुनना, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम जपना, भगवान का नाम सुनाना,
तो हरे कृष्ण, यहाँ पे समाप्त करते हैं। कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए हम सभी को भगवान की इन पावन कथाओं को सुनना है। आज की कथा में आपने सुना किस तरह से सकट का उद्धार हुआ। भगवान किसी को मारते हैं तो उसका उद्धार कर देते हैं, उसको अपने धाम में भेज देते हैं, उसको मुक्ति दे देते हैं। तो सकटासुर का भी उद्धार हो गया जो भगवान को मारने के लिए आया था। भगवान को कोई नहीं मार सकता है क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना। ठीक है, हरे कृष्ण।